नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 इकाई 4 कर्ण का जीवन दर्शन। मित्रों, इसका साहित्य प्रकार है खंड काव्य और लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इसका उपनाम है। इसका जन्म ईस्वी सन 1908 और निधन ईस्वी सन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक के उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापक कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी कि सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं को खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी रश्मि थी, रेणुका, हुक्का, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारेश्वर, मिट्टी की गोद आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिर्थी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मदाता महान पर पुरुषार्थ जन महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में जब सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों का पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। मित्रों, अब हम काव्यांश का परिचय करने से पहले कर्ण के जीवन चरित्र को देखेंगे। मित्रों, काव्यों को समझने से पहले हम कर्ण के जीवन का परिचय प्राप्त कर लेंगे। कर्ण का जीवन कैसे हुआ, कर्ण के माता पिता कौन थे, कर्ण के जन्म के बारे में कहा जाता है कि कर्ण की जन्मदात्री माता कुंती अपने पिता के घर थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। उस समय कुंती ने अपने पिता के घर पधारे हुए ऋषि दुर्वासा की पूरी एक वर्ष तक इतनी कठोर सेवा की, जिससे दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और वरदान में कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया और कहा कि जब भी जिस किसी भी देव की का नाम लेकर वह मंत्र जाप करेगी तो वह स्वयं देव उसके सामने प्रकट होंगे और उसे संतान प्राप्ति होगी। एक बार कुंती अपने महल
में बैठी सोच रही थी कि महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया हुआ वह वरदान काम आता करता है या नहीं। उसने सूर्यदेव का आह्वान किया और मंत्र जाप किया। उसी समय स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र देकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा तेजस्वी पुत्र था कि उसके जन्म के साथ ही उसे उस पर एक सुवर्ण कवच और चमकते हुए कुंडल शोभा दे रहे थे। लेकिन कुंती इस पुत्र को प्राप्त करके बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अभी कुंती का विवाह नहीं हुआ था और उसके पास पुत्र होने से उसे सामाजिक बदनामी का डर लग रहा था। उसने सोचा कि इस पुत्र का अब क्या करें, और उसने समाज के डर से उस पुत्र को एक बक्से में डाला और गंगा नदी में उसे प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ। वह बक्सा नदी में बहता हुआ दूर कहीं दूर चला गया और बहते बहते किसी छोटे से गांव में एक दंपति को मिला। वह दंपति एक शूद्र परिवार था। पुरुष का नाम था अधीरथ और स्त्री का नाम था राधा। दोनों ने इस बक्से में मिले इस पुत्र को बड़े ही स्नेह से प्यार से स्वीकार कर लिया और दोनों ने इस पुत्र को राधे नाम से स्वीकारा और उसका लालन पालन किया। अधीरथ व्यवसाय से राजा का रथ चलाने वाला एक सारथी थे और इसी कारण कर्ण शूद्र माना जाता था और लोग इसे शूद्र पुत्र कहा करते थे। कर्ण के गुरु के बारे में जानते हैं मित्रों। कर्ण के गुरु के बारे में अब हम देखेंगे कि उसके गुरु कौन थे। कोई वसुंधरा को 21 बार क्षत्रिय रहित करने वाले भगवान परशुराम कर्ण के गुरु थे। भगवान परशुराम कभी क्षत्रियों को नहीं पढ़ाते और क्षत्रिय न होने के कारण उस समय कर्ण को पढ़ने से मना और कर्ण क्षत्रिय न होने के कारण किसी भी गुरु ने उसे पढ़ना से मना कर दिया था। इसीलिए कर्ण परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने चला गया था और परशुराम जैसे महान ऋषि से शिक्षा प्राप्त की और कर्ण को मिले शिक्षा प्राप्त की। अब हम कर्ण के क्षत्रिय होने से परशुराम को जब पता चलता है तब उसे क्या श्राप मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। कर्ण को मिले श्राप के बारे में जानते हैं कि एक बार भगवान परशुराम और कर्ण कहीं जा रहे थे। रास्ते में थकान की वजह से दोनों विश्राम करने बैठे किसी पेड़ के नीचे और भगवान परशुराम अपना सिर कर्ण की गोद में रख कर सो गए। परशुराम जी गहरी नींद में थे। उसी समय वहां एक भौंरा आया और उसने कर्ण की जंघा पर जोरों से काटा। कर्ण को बड़ी वेदना हुई, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन गुरु की नींद में खलेल न पड़े उस हेतु से ही उसने वेदना सहन कर ली। जब घाव से बहता हुआ खून परशुराम के पास पहुंचा तो उसी रक्त से परशुराम जी जाग गए। तब उनको वास्तविकता का पता चल गया और उसे उस समय वे कुछ सोचकर बड़े क्रोध में आ गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती।
तू क्षत्रिय है और तूने मुझसे असत्य बोला है। कर्ण बड़ी विनम्रता से विनती की कि मैं कोई झूठ नहीं बोला, पर परशुराम वो बड़े क्रोध में थे और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि दी हुई शिक्षा की शस्त्र, और परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया। क्या श्राप दिया मित्रों? कि उसे दी गई शिक्षा की शस्त्र विद्या की जब तुझे सबसे बड़ी आवश्यकता होगी उसी दिन वह विद्या तुझे कोई काम नहीं आएगी, तू सारी विद्या भूल जाएगा, ऐसा श्राप परशुराम जी ने कर्ण को दिया। फिर एक बार कर्ण जंगल में शिकार करने के लिए गया था और किसी झाड़ियों के बीच में कोई हिंसक प्राणी या पशु होगा ऐसा उसे आभास हुआ और उसने तीर चलाया। वहाँ पर कोई हिंसक प्राणी तो नहीं था, पर एक गाय का बछड़ा था। कर्ण का तीर उस बछड़े को लगा और बछड़ा वहीं पर मर गया। उसी समय उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण वहाँ पर आया और उसने मरे हुए बछड़े को देखकर क्रोध में आकर कहा कि इसकी माँ उसके पुत्र के बगैर तड़पेगी और यही बछड़ा और गाय मेरी आजीविका का साधन थे। तूने एक राजा होकर इस अभिमान से इस निर्दोष प्राणी को का वध किया है जिसका रथ और वध किया है जिसका रथ और जिसका शस्त्र का तुझे इतना अभिमान है, जिस रथ में बैठकर तुम इस सारे पशुओं से ऊपर उठ जाते हैं, एक दिन वही रथ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होंगे उसी समय तेरे रथ का पहिया धरती में धस जाएगा, तेरे रथ के पहिए को धरती माता निगल जाएगी, ऐसा भयंकर श्राप उस ब्राह्मण ने कर्ण को दे दिया। मित्रों, हमने कर्ण के जीवन परिचय और उसके माता पिता और उसके गुरु और गुरु के श्राप के बारे में देखा। मित्रों, अब उसकी मित्रता, कर्ण की मित्रता दुर्योधन से कैसे निभाई उसके बारे में काव्य में दिया गया है। अब हम दूसरे वीडियो में उस काव्य का मित्रता के बारे में देखेंगे।